स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध का पहला चरण। इससे पहले के जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनके बारे में स्टडी किया और हमने जाना कि शीत युद्ध की क्या परिभाषा है, वो क्या कारण रहे थे जिनकी वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ। ये हमारी प्रीवियस क्लास में हमने अध्ययन कर चुके हैं इन सबका। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो शीत युद्ध के दौरान पूरे विश्व में उस समय मुख्यतः क्या क्या घटनाएं घटी, उन घटनाओं को हम जानेंगे समझेंगे। तो आज का टॉपिक है शीत युद्ध का पहला चरण, और शीत युद्ध के पहले चरण के अंतर्गत हम ट्रूमैन योजना और मार्शल प्लान, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। जर्मनी पर आर्थिक बोझ एक्चुअल में क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने सोवियत संघ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो स्टालिन ने क्या किया कि जो क्षतिपूर्ति की शर्तें थी उनका दुरुपयोग किया और जर्मनी के उद्योग धंधों को तहस नहस कर दिया। तो इससे जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई, अस्त व्यस्त हो गई और इसने जर्मनी पर आर्थिक बोझ को बढ़ा दिया। तो ये घटना थी जर्मनी पर आर्थिक बोझ के बढ़ने की। फिर है बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी यानी कि कैपिटल। अब देखिए, फरवरी 1945 में डिसाइड किया गया था कि जर्मनी और बर्लिन जो है उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये भी डिसाइड किया गया कि जो पश्चिमी क्षेत्र होंगे यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे वो मार्शल सहायता, मार्शल योजना का हमने अध्ययन किया था, तो उसके तहत वो मार्शल सहायता प्राप्त करेंगे। 24 जून 1948 को जो सोवियत सेनाएं थी उन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों का और बर्लिन के बीच में जो आवागमन के रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए, जैसे रेल का, सड़क का, जल का जो यातायात था वो सब बंद कर दिया। यानी क्या हो गया, नाकेबंदी हो गई। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका वगैरह, उनको ये तो पता था कि अगर पश्चिमी बर्लिन पर से उनका अधिकार हटता है तो यूरोप में उनकी जो पकड़ है वो भी ढीली हो जाएगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वस्तुओं की आपूर्ति तो करनी है लेकिन उसके लिए रास्ता उन्होंने हवा के रास्ते, मतलब कि वस्तुओं की सप्लाई की जाए एयर के थ्रू। लेकिन जो सोवियत संघ था वो इस नाकेबंदी को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाया और उसने अपनी हार मान ली, समझौता कोई पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में क्या किया कि जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। ये था बर्लिन की नाकेबंदी का घटनाक्रम। इसके बाद हम शीत युद्ध की घटनाओं के अंतर्गत पढ़ते हैं नाटो, NATO, नाटो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी प्लेटफॉर्म है। नाटो एक्चुअल में क्या है कि ये एक सैन्य संगठन था और साम्यवाद का प्रतिरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो हमने अध्ययन किया है कि जो शीत युद्ध था वो दो गुट थे उनके बीच में था, एक तरफ था सोवियत संघ और एक तरफ था अमेरिका। तो इसकी स्थापना जो है नाटो की वो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स में, बेल्जियम में। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका, इन राष्ट्र के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए। और इसका उद्देश्य क्या था कि अमेरिकी सुरक्षा को इफेक्टिव बनाया जाए, उसे प्रभावी बनाया जाए और सोवियत संघ है उसको कमज़ोर किया जाए, यानी कि उसको
स्वयं को शक्तिशाली बनाना और उसे बाहर करना। इस प्रकार से नाटो का गठन किया गया। ऐसे ही है सीएटो यानी कि SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाम से जाहिर है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया जो था उसकी सामूहिक सुरक्षा के लिए और उसके जो आर्थिक साधन है उनका विकास करने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे सीएटो कहा गया। 8 सितंबर 1954 का वो दिन था जिस दिन इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, ये राष्ट्र इसमें शामिल थे और हेडक्वार्टर जो था वो उसका था बैंकॉक। अब देखिए, इसे हम एक क्षेत्रीय संगठन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें साउथ ईस्ट एशिया जो है उसके भी राष्ट्र शामिल हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भी शामिल हैं। उसके बाद आता है सेंटो, CENTO, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे बगदाद संधि भी कहा जाता है। तो जहाँ सीएटो जो था उसका मकसद था कि दक्षिण पूर्व एशिया की सामूहिक सुरक्षा की जाए, साम्यवाद को रोका जाए, वहीं इसका क्या मकसद था? साम्यवाद को रोका जाए लेकिन कहाँ पर? पश्चिमी एशिया में। तो पश्चिमी एशिया में रोकने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो सदस्य देश थे उसमें शामिल हैं ब्रिटेन, ईरान, टर्की। उसके बाद आता है वॉर्सा पैक्ट। वॉर्सा एक्चुअल में पोलैंड की कैपिटल है, राजधानी है। वॉर्सा पैक्ट भी क्या था? एक समझौता था। इसे ईस्ट यूरोपियन सिक्योरिटी पैक्ट ये भी कहा जाता है। अब देखिए, पश्चिमी जर्मनी जो था उसको नाटो का सदस्य बना लिया जाता है 9 मई 1955 को, यानी कि वो अमेरिका समर्थित जो राष्ट्र थे उनमें शामिल हो गया, अमेरिका को समर्थन करने वाले राष्ट्रों में उसका नाम आ गया। अब उसको शस्त्रों की मदद मिली, उसका शस्त्रीकरण किया गया। तो ऐसे में जो दूसरा गुट था यानी कि सोवियत संघ और साथ में जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्र थे उनके लिए तनाव होना, चिंता होना स्वाभाविक था क्योंकि शीत युद्ध क्या था? दो गुटों के मध्य की लड़ाई। अब जो साम्यवादी राष्ट्र थे उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया वारसा में और उसमें कई देश शामिल हुए, जैसे कि सोवियत संघ, उसके साथ में अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी है, हंगरी, पोलैंड, इन सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ 14 मई 1955 को एक 20 साल की संधि, मतलब आगे भविष्य के लिए 20 साल की संधि की जाएगी, उस पर एक हस्ताक्षर किए गए। और ये संधि क्या थी? मित्रता और पारस्परिक सहयोग की, मतलब जो इन पे हस्ताक्षर करेंगे वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से गुटबाजी की जो घटना थी उसमें तीव्रता आई। अब वॉर्सा पैक्ट के लिए के समय इन राष्ट्रों के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करें, यूरोप में शांति बनाए रखें। अब वॉर्सा पैक्ट जो था बाद में 27 अप्रैल 1985 में एक डिसीजन लिया गया और इसकी पीरियड को और बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। लेकिन बाद में 1 जुलाई 1991 को, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो 1 जुलाई 1991 को इस संगठन समाप्त हो गया, यानी कि नाटो अभी भी अस्तित्व में है लेकिन वॉर्सा पैक्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। अब आगे हम अध्ययन करते हैं कोरिया संकट। कोरिया संकट एक्चुअल में क्या था? देखिए, 1910 से कोरिया जो था वो जापान के कंट्रोल में था, 1910 से लेकर के 1945 तक। जापान ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। फिर
उत्तर कोरिया जो था उस पर सोवियत संघ का और दक्षिण कोरिया पर अमेरिका का अधिकार हो गया था। बाद में दोनों ने अपना अपना जो प्रभुत्व था, अपना अपना जो डोमिनेंस था, वो हटा लिया। तो कोरिया जो था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। जैसे कि हमने अभी अध्ययन किया, 1910 से लेके 1945 तक कोरिया जापान के कंट्रोल में था। जापान ने बाद में सरेंडर किया, पराजय हुई। तो अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों देश जो थे, इसके डिवीज़न पे सहमत हो गए थे। तो रूस के प्रभाव से, यानी कि सोवियत संघ के प्रभाव से, तो यहाँ पे उत्तर कोरिया में सरकार का गठन हुआ। और जो दक्षिण कोरिया था उसमें अमेरिका के प्रभाव से सरकार का गठन हुआ। तो इस प्रकार से दो अलग अलग, इस प्रकार से उनका विभाजन हुआ। लेकिन यहाँ देखिए कि जून 1950 में क्या होता है कि उत्तर कोरिया जो था उसके सैन्य दलों ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। अब ऐसे में अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर अपनी जगह, अपना वर्चस्व बनाए रखना है, तो दक्षिण कोरिया को सहयोग देना जरूरी है। तो उन्होंने कोरिया में हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया। बाद में सितंबर 1950 का जब एंड हुआ था, तब अमेरिका के जो संयुक्त राष्ट्र के जो सैन्य दल थे, उन्होंने दक्षिण कोरिया में प्रवेश किया और वहाँ से उन्होंने साम्यवादी सेनाएं जो थी वो हटा दी। तो इस प्रकार से इसमें किसी भी पक्ष को कोई निर्णायक विजय प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये था कोरिया संकट। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्विस संकट, वियतनाम संकट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।